100.1 MHz आकाशवाणी FM गोल्ड पर भोर सुहानी के साथ मैं रेखा पाठक सुप्रभात। आज की ये नई भोर और इसके साथ बीत गई रात, बदला महीना, बदली तारीख, तो खुश होना तो बनता है। दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है। दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है। खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख यजी, पहली तारीख है। बीवी बोली घर जरा जल्दी से आना, जल्दी से आना। शाम को पिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना। करो ना बहाना, बहाना बहाना, करो ना बहाना, आज पहली तारीख है। खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख यजी, पहली तारीख है। किसने पुकारा रुक गया बाबू, लाला जी की जान आज आया है काबू, आया है काबू। वो पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना, लाना लाना, वो पैसा जरा लाना, आज पहली तारीख है। खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख यजी, पहली तारीख है। बंदा बेकार है, किस्मत की मार है। सब दिन एक है, रोज ऐतवार है। मुझे ना सुनाना, सुनाना सुनाना, मुझे न सुनाना, आज पहली तारीख है। कुछ है जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख यजी, पहली तारीख है। दफ्तर के सामने आए मेहमान हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं। अरे जेब को बचाना, बचाना बचाना, जेब को बचाना, आज पहली तारीख है। कुछ है जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख यजी, पहली तारीख है। दिल बेकरार है, सोए नहीं रात से। शेजी को गम है कि पैसों चलो हाथ से। अरे लुटेगा खजाना, खजाना खजाना, लुटेगा खजाना, आज पहली तारीख है। खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख यजी, पहली तारीख है। सिनेमा वालों मजेदार है, हो खेल मजेदार है जी, खेल मजेदार है। आगा है भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है। पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना। अरे वापस नहीं जाना, जाना जाना, वापस नहीं जाना, आज पहली तारीख है। खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। पहली तारीख यदि, पहली तारीख है। मिलजुल के बच्चों ने बापू को घेरा, बापू को घेरा।
कहते हैं सारे कि बापू है मेरा, बापू है मेरा, खिलौने जरा लाना, खिलौने जरा लाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, पहली तारीख है, आज पहली तारीख है, दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, पहली तारीख है, आज पहली तारीख है। तो आज है जुलाई महीने की पहली तारीख। हम सब जानते हैं कि इस दिन को हम इंडियन डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर्स जो हमारे हैं और मेडिकल जगत की और ज्यादा कामयाबी के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। दरअसल हम देखते हैं कि साल के 365 दिनों बिना रुके बिना थके मानव जीवन की सेवा करने वाले हमारे जो डॉक्टर हैं उनके प्रति आभार जताने के लिए हर वर्ष हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं। जब डॉक्टर्स हमें मौत के मुंह से बचाते हैं तो एक तरह से नया जीवन देते हैं और उस समय बस यही लगता है कि ये तो फरिश्ता हैं, हमारे भगवान हैं। हमारे डॉक्टर की सेवा, लगन, निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा को हमारा प्रणाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे,
कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हमारे डॉक्टर्स हमें सलाह देते हैं और हर तरह से चाहते हैं कि हम किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित ना हो, उसे अपना पूरा बचाव रखें और अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखें। लेकिन हम ऐसा करते तो नहीं है। हमारा सेहत पर ध्यान तब जाता है जब हम बीमार पड़ने लगते हैं और लगातार बीमार पड़ने लगते हैं। तन और मन दोनों पर लगातार काम करने की बहुत जरूरत है अगर हम लंबी और स्वस्थ पारी खेलना चाहते हैं। संग रहने की आएगा रे उड़ के मेरा हंस पर आएगा रे उड़ के मेरा हंस।
जीवन से बहुत कुछ पाना चाहते हैं, नाम, शोहरत, दौलत, प्यार, दोस्त, परिवार, सब कुछ, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि इन सब को पाने का केवल एक ही टूल है और वो है हमारा शरीर। और फिर उसके प्रति हम लापरवाही कैसे बरत सकते हैं? जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद लाए, जब जब तुम्हें
100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ रेखा पाठक। तो बात हम कर रहे हैं सेहत की। काम करना, आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेहत की कीमत पर कतई नहीं। ठीक समय पर खाना नहीं खाना, पूरी नींद नहीं लेना, घंटों गैजेट्स पर काम करना, ये सब शरीर को रोगी बना रहा है। मधुमेह, कैंसर, किडनी, हृदय से जुड़े रोग हमारे जीवन शैली से ही जुड़ गए हैं। हम देख रहे हैं कि युवा भी कितनी तेजी से, युवा क्या बच्चे भी बहुत ही तेजी से इसके शिकार हो रहे हैं। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, जाने क्या अपनी तन्हाई का औरों से ना शिकवा करना, अपनी तन्हाई का औरों से ना शिकवा करना, तुम अकेले हैं, ये अकेला सफर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। दो घड़ी जीने की मोहलत तो मिली है सबको, तुम भी मिल जाओ घड़ी भर को, ये कम होता है एक घड़ी का सफर नहीं गुजरा, जाने क्या कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर किसी भी तरह की परेशानी हमारे शरीर में है तो जांच जरूर करवाएं। हमारी आधी परेशानी तो इस बात से ही है कि हम सब कुछ देखकर समझकर भी आंखें बंद रखना चाहते हैं, तो फिर इससे समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा? समय रहते जांच हो तो ही हल निकलेगा ना। Thank you.
ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, हर एक मकाम से के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो।
जरूरी है कि हम सक्रिय रहें, व्यायाम करें, जिम पसंद नहीं तो पैदल चलें, साइकिलिंग करें, खुले में कोई भी खेल खेलें, खुद से काम करने, सीट से उठने और पैदल चलने के बहाने ढूंढें। सजाता रहूं तुम
मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। सफर जिंदगानी का कटता नहीं, जब तलक कोई रंगी सहारा ना हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम मगर हम कदम बनके चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तो अगर हम खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर डॉक्टर भी हमारा साथ कितना दे पाएंगे। हमारे महानगरों में नींद पूरी नहीं लेते ज्यादातर लोग, तो उससे उनका तनाव बढ़ता है। लगातार कृत्रिम रोशनी के साथ रहना या कृत्रिम रोशनी में रहना मेलेटोनिन को प्रभावित करता है, जिससे अनिद्रा बढ़ती है, नींद नहीं आती। कमरे का वेंटिलेशन अच्छा रखना चाहिए, खुली हवा, सूरज की रोशनी आने दे कमरों में, ऐसा सलाह दिया जाता है। रखा
पर जहां मैंने खाई इन्होंने पुकारा मुझे। ये हम सफर है तो काफी है इनका सहारा मुझे। होकर जहां दिक्कत की बात एक और है कि आजकल सप्लीमेंट्स के प्रति क्रेज बहुत बढ़ रहा है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड एंड बेसिक मेडिकल रिसर्च में छपे अध्ययन के अनुसार 30% लोग बिना डॉक्टर के कहे मल्टीविटामिन्स और प्रोटीन सप्लीमेंट्स खा रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि पोषण भोजन से लें, सप्लीमेंट से कतई नहीं। खान पान पर पूरा ध्यान दें, सब्जियों, फल और साबुत और खासकर मोटे अनाज को खाने में पूरी जगह दें। और फिर कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से मुसव्विर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है। बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है। कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा। खुदा भी आसमां से जब जमी। और इसी के साथ भोर सुहानी के साथ अब अनुमति दीजिए मुझे यानी रेखा पाठक को। सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।